पर मैं जब भी गई हूँ थाने तो मुझे अदालत के केस बता के मुझे वापस किए। सर, मेरा वकील का कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता। सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं जिसको कहती हूँ कि मुझे जब इनसे मिलेंगे ना, मैं आपको डबल पैसे वापस कर लूँगी, लेकिन मुझे कोई नहीं देता। सर, मेरा एक बच्चा 15 साल के, एक बच्चा 13 साल के, जो इस शख्स से पहले जिस खावन ने मुझे छोड़ा है सर, वो आज तक मेरा घर का किराया, जिस दुकान से मेरा खर्च आता है सर, उसका पैसा छोटे मोटे कामों के लिए तो दे देते हैं सर, लेकिन कोई किसी की सारी मजबूरियाँ पूरा नहीं कर सकता अल्लाह के अलावा। और मेरे दोनों बच्चों को उसने अब 4 दिन से सदर में काम पे लगाया है, किसी एक बर्तन की दुकान में, छोटे हैं सर अभी लगे हैं, लेकिन सर मैं आज अपने जिस्म के कपड़े भी भेजने के लिए निकाली हूँ। सर प्लीज मुझे इंसाफ चाहिए, इस बंदे को उठाने और इस बंदे को सर जेल में डाल दो। सर मुझे दुनिया में अपने अल्लाह के अलावा अगर अजीज था तो यही शख्स था। मैं अपने रब को गवाही दूंगी और मेरा रब मुझसे पूछेगा, और मैंने अपने बाप से भी इतना वफादारी नहीं की है जितना मैंने इस शख्स से किया है, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा अपने बीवी के साथ मिलके बेहद जलील किया है। सर सर खुदा के लिए या तो जवाद शाह जैसे जिंदाबाद भाई मुझे वापस कर दो इस थाने में, सिर्फ एक हफ्ते के लिए, मैं आपको सारी ज़िंदगी दबा दूंगी। सर वो सिर्फ जवाद शाह से डरते, जवाद शाह सर जैसे भी हो मेरे लिए काबिले इतबार इंसान है और मेरा ख्याल रख के, और मुझे बहन का है और मुझे कहा है तेरे आंखों में आंसू कोई नहीं देखता, मैं देखूंगा। सर मैं उसके पीछे पीर बदाई भी गई थी ताने। सर प्लीज कुछ करे, बोला तो बहुत खराब हो रही है, मेरी वीडियो मेरी इज्जत का मसला है, मैंने आज तक वीडियो नहीं की इस तरह, लेकिन मैं मजबूर हूँ। Yeah.